अब नेक्स्ट लेक्चर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इनकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन फिनॉल। अब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक एक रिएक्शन बहुत अच्छे से देखनी है आप सभी को, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं तो फोर ही टाइप्स की, नाम भी वही हैं लेकिन थोड़ी अलग हैं, कंडीशंस लगती हैं इनमें। तो लिखेंगे हम एक पंच लाइन, इन फिनॉल, फिनॉल में भी फोर टाइप की होती है, हेलोएरीन में भी फोर टाइप्स की होती है, इन फिनॉल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर ऑफ फोर टाइप्स। देखो ये सभी में फोर ही प्रकार की होती हैं, आर ऑफ फोर टाइप्स। वो बात अलग हो जाती है कि किसी में कम मतलब आसानी से देती है और किसी में टिपिकल देती है, आर ऑफ फोर टाइप्स, ठीक है। फोर प्रकार की होती है आपकी, क्या आपकी इन फिनॉल, इन हेलोएरीन, सभी में ध्यान रखना हेलोएरीन की आप पढ़ चुके हैं और फिनॉल की आप पढ़ने जा रहे हैं। ये दोनों रिएक्शंस, आज आपका फ्राइडे है, सैटरडे, दो दिन का समय है आपका, संडे को हम पूछेंगे आप लोगों से, टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ध्यान रखिएगा। देखिए इसमें पहली दूसरी तीसरी चौथी कोई नहीं होती, कोई भी आप पहले बाद में ले सकते हो, कोई भी पहले ले सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं है, लेकिन चार प्रकार की होती है। तो फर्स्ट वन हम डाल रहे हैं हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन, यही पढ़ी थी हमने फर्स्ट, किसमें, हेलोएरीन में। ध्यान रखना वहां हेलोजिनेशन हमने किससे कराया था, क्लोरीन से, यहां भी क्लोरीन से करा सकते हो, लेकिन सबसे फेमस हेलोजिनेशन जो फिनॉल में है वो ब्रोमिनेशन। अगर कोई परसेंटेज पूछ ले कि सर हम किससे कराएं, तो 100 में 100% फिनॉल का हेलोजिनेशन हमेशा ब्रोमीन से कराना, तो ब्रोमीन से करा रहे हैं तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ब्रोमिनेशन। क्लोरीन से कराते तो क्लोरीनेशन, जिससे करा रहे हैं उसका नाम हेलोजिनेशन, और क्योंकि ब्रोमीन से करा रहे हैं इसलिए ब्रोमिनेशन। अब हमने जब हेलोएरीन में हेलोजिनेशन पढ़ा था तो सीधे सीधे एक प्रकार का था, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन बना था और रिएक्शन खत्म हो गई थी। फिनॉल में हर एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, चाहे आप हेलोजिनेशन पढ़ें, चाहे आप नाइट्रेशन पढ़ें, चाहे आप सल्फोनेशन पढ़ें, चाहे आप फिडल क्राफ्ट रिएक्शन पढ़ें, हर एक में कुछ ना कुछ स्पेशल है, इसलिए इनकी रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिनॉल में हेलोजिनेशन एक प्रकार का नहीं होता, दो प्रकार का होता है, दो कंडीशंस में होता है ना। तो लिखेंगे यहाँ पर हम टू टाइप्स, और बहुत इम्पॉर्टेंट है टू टाइप्स, ठीक है ना, टू टाइप्स का होता है हेलोजिनेशन। तो इसमें फर्स्ट वन देखिए आप, इन प्रेजेंस, ध्यान रखना अलग से एक नंबर में रिएक्शन पूछी जा सकती है, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन प्लस वाटर, पहली कंडीशन ये होती है जब आप इसकी रिएक्शन, जैसे हमने लिखा वैसे ही लिखना, जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन और प्रेजेंस ऑफ वाटर की रखते हैं, लिखिए इसमें ट्राई ब्रोमो फिनॉल, ट्राई ब्रोमो फिनॉल इज फॉर्म्ड, ट्राई ब्रोमो फिनॉल इज फॉर्म्ड। देखो अब रिएक्शन बाद में नोट करना,
ए लिया हमने फिनॉल, ए फिनॉल, अब बॉन्ड भी लगा सकते हो, साइकिल भी बना सकते हो। अब फिनॉल की रिएक्शन आप किससे करा रहे हो? ब्रोमीन वाटर। आपके एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद ब्रोमीन वाटर। हाँ, यहाँ एक्वस लिख दो, एक ही बात है। यहाँ आप ब्रोमीन के नीचे एक्वस लिख दो, फिर यहाँ वाटर लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जनरली आपके में जब कन्वर्जन आता है तो ब्रोमीन वाटर ऐसे लिखा आता है, इसलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है। जब ये ब्रोमीन से रिएक्शन करता है फिनॉल, वाटर की प्रेजेंसी में, तब क्या होता है? हमारा कितना ब्रोमोफिनॉल बनता है? ट्राइब्रोमोफिनॉल। अभी क्वेश्चन कैसे कैसे आ सकता है आपके एग्जाम में, चलो उसको बाद में बताते, पहले रिएक्शन कर दें। वहां से पता चल रहा है मैं ट्राइब्रोमोफिनॉल बन रहा है, मतलब इस फिनॉल में कितने ब्रोमीन लगा देने? तीन। देखो भाई, तीन ब्रोमीन किस पोजीशन पे लगते हैं? यहां पर, यहां पर एंड यहां, इन तीन पोजीशन पे लगते हैं। अच्छा, आपको पता है बेंजीन की हर पोजीशन पे क्या होता है? एक कार्बन और एक हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है। आप चाहो तो सो मत करो, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो रिएक्शन, लेकिन हमें सो करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपको रिएक्शन समझ में आ जाए। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर हमारे जैसे लिख सकते हो। तो इन तीन पोजीशन पे हमें ब्रोमीन लगानी है, लेकिन समस्या ये है कि कार्बन की वैलेंसी तो इन तीनों पोजीशन पे क्या है? फोर। अब जब तक यहाँ पर हाइड्रोजन है, तब तक यहाँ ब्रोमीन। तो यहाँ ब्रोमीन लगाने के लिए हमें हाइड्रोजन को निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से एक बी आर ले ले और यहाँ से एक एच ले ले, एक एच और एक बी आर, क्या निकल जाएगा? एच बी आर। तो तीन एच के लिए कितने बी आर चाहिए? तीन बी आर। तो तीन एच और तीन बी आर निकल जाएंगे, तो तीन एच बी आर निकल जाएंगे। और फिर तीन ब्रोमीन हमें किसके लिए चाहिए? इन पोजीशन के लगाने के लिए। टोटल कितनी ब्रोमीन चाहिए? सिक्स। तो यहाँ हम कौन सा नंबर लगा दें? थ्री। तो देखिए, यहाँ से एक एच, यहाँ से एक एच और यहाँ से एक एच, तीन एच यहाँ से और तीन बी आर यहाँ से आपके निकल गए। तो बताओ क्या निकल गया? थ्री एच बी आर। अब ये जो हमारा फिनॉल है, ये जो हमारा फिनॉल है, यहाँ से एक एच निकला तो एक बी आर यहाँ लगेगा, यहाँ से एच निकला तो एक बी आर यहाँ लगेगा, और यहाँ से एक एच निकला तो एक बी आर यहाँ निकलेगा। बताओ कितना ब्रोमोफिनॉल बन गया? ट्राई ब्रोमोफिनॉल। जे है रिएक्शन, है ना। अब इसका अगर हम नाम कर दें तो नंबर वन पोजीशन तो इसको देंगे, तो ए वाली पोजीशन टू, ए वाली थ्री, ए वाली फोर, ए वाली फाइव और ए वाली सिक्स। तो टू पे एक ब्रोमो लगा है, फोर पे एक लगा है और सिक्स पे, कॉमा जरूर लगाना है, तो 246 ब्रोमो हो जाएंगे। 246 ब्रोमो कहाँ लगाओगे आप? होते ही नहीं है। 246 टोटल कितने हैं? ट्राई है, 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 246 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। जे है इसका नाम, अभी लिखना नहीं है। आपको एक खास बात बता दे, ए लिया आपने फिनॉल और इसमें डाला आपने ब्रोमीन, ये भी लिक्विड है, प्लस रिएक्शन कराई एक्वस मीडियम में, तो ये बना देगा 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल। आपको पता है ये फिनॉल का टेस्ट भी है, फिनॉल को आइडेंटिफाई करने की रिएक्शन है, क्योंकि ये जो 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल है, ये किस रंग का होता है? वाइट कलर का, और यहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद चूना का जैसा जमा दिख जाएगा। तो ये किस प्रकार का प्रेसिपिटेट होता है? वाइट पीपीटी होती है। तो ये फिनॉल का एक टेस्ट भी है, ध्यान रखना है आपको, दिस इज द टेस्ट ऑफ फिनॉल। अब आपसे कोई कभी पूछे व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तो आप कहोगे 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल इज फॉर्म। 246 ट्राइब्रोमो फिनॉल किस कलर का है? वाइट कलर का। क्या किस रूप में फॉर्म होता है? प्रेसिपिटेट के रूप में। क्या हम इससे फिनॉल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस। अब आप लोगों को एक चीज़ बता दें हम, आप आगे जाके एल्कोहल, पिछले दो एग्जाम से, लास्ट टू ईयर से क्वेश्चन आ रहा है कि एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस बताओ,
हम आज से ही आपका डिफरेंस तैयार करवाते जा रहे हैं। एक डिफरेंस तैयार हो गया आपको, कौन सी रिएक्शन? ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन। तो ध्यान रखना है, एल्कोहल ब्रोमीन वाटर से कोई रिएक्शन, जबकि फिनॉल क्या बनाता है? ट्राइब्रोमोफिनॉल, वाइट पीपीटी ऑफ ट्राइब्रोमोफिनॉल। तो एल्कोहल फिनॉल में एक डिफरेंस तैयार, हम पूछ लेंगे पांच डिफरेंस तैयार करने, हम लिखवा तो 15-20 देंगे, लेकिन एक एक करके तैयार करते चलने हैं। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया? रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, एल्कोहल डजेंट गिव, और फिनॉल क्या बनाता है? 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। एक डिफरेंस ये तैयार। एक और जादुई सा डिफरेंस तैयार करा देते हैं सिंपल तरीके से। ध्यान रखना, एल्कोहल में कार्बन किसका होता है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और फिनॉल में एक दो डिफरेंस एल्कोहल और फिनॉल में आज ही तैयार होने चाहिए, बाकी हम 3, 4, 5, 6 और करवाते चलेंगे, बन जाएंगे। पहला डिफरेंस एल्कोहल फिनॉल में, पहला दूसरा कोई भी नहीं है, sp2 sp3। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, नो रिएक्शन। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर, वाइट पीपीटी फॉर्म होता है, ध्यान रखना। रिएक्शन नोट करिए, अपनी कॉपी में चाहे ऊपर लिख लेना जो हमने ये बताया है, शॉर्ट में याद होने से। हालांकि हम इन सब नोट्स के नोट्स भी बनवाएंगे, लेकिन नोट्स जब तक बनाएंगे जब तक आपको याद हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि आप ये सब कुछ शो करो, ए एच वगैरह, आप डायरेक्ट बेंच ऐसे लिख के इसको डायरेक्ट भी रिएक्शन कर सकते हो, और शो करना है तो आप कर लो, जिसमें आप जब घर में पढ़ो तो आपको आसानी से समझ में आ जाए, एग्जाम में भी कर सकते हो। 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल वाइट पीपीटी। अच्छा, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ब्रोमीन प्लस पोलर सॉल्वेंट, जानते हो वाटर कैसा सॉल्वेंट है? पोलर सॉल्वेंट। हालांकि ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन बताते हैं, वाटर इज अ सबसे बेस्ट पोलर यूनिवर्सल सॉल्वेंट, वाटर को कहते हैं। तो ऐसे भी आ सकता है, वैसे ऐसा क्वेश्चन अभी तक आया नहीं है, लेकिन हमने आपको बता दिया वाटर प्लस पोलर सॉल्वेंट। वैसे ब्रोमीन वाटर लिख कर ही आता है, तो वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट, ठीक है ना। तो फर्स्ट कंडीशन में हमारी हो गई, अब हम सेकंड कंडीशन में करेंगे, ठीक है। सेकंड कंडीशन में इसमें एक लाइन लिख ले, थोड़ा सा नीचे, द रिएक्शन can be used in laboratory test of phenol. सही लिखा स्वाति, हमने कर सकते इस रिएक्शन का यूज लेबोरेटरी में फिनॉल के आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि कैसा पीसीपीटी देता है? वाइट पीपीटी देता है ना। चलिए, द रिएक्शन इज यूज्ड और कैन बी यूज्ड और मे बी यूज्ड इन लेबोरेटरी टेस्ट ऑफ फिनॉल, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन में हैलोजिनेशन करा लिया हमने, अब सेकेंड कंडीशन में करेंगे। तो बी नंबर, इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन प्लस, या तो कार्बन डाइसल्फाइड होगा
सबसे फेमस ब्रोमीन प्लस CH2 लिख के आता है। अगर कार्बन डाइसल्फाइड नहीं मिलेगा तो कार्बन टेट्राक्लोराइड लिखा मिलेगा, CCl4। और अगर कार्बन टेट्राक्लोराइड भी लिखा नहीं मिलेगा तो क्लोरोफॉर्म CHCl3 लिखा मिलेगा, ठीक है ना। हम आपको बता दें 99.99% CH2 लिखा मिलेगा, ब्रोमीन प्लस CH2। और एक तीनों के तीनों नॉन पोलर सॉल्वेंट हैं, ध्यान रखना। अब कम से कम नॉन पोलर और पोलर सॉल्वेंट आज से आपको पता होने चाहिए। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन प्लस पोलर सॉल्वेंट और ब्रोमीन प्लस वाटर, तो आंसर होगा 2,4-6-ट्राइब्रोमोफिनॉल इज फॉर्म। ऐसा भी आता है, व्हाट हैपन व्हेन फिनॉल रिएक्ट विथ ब्रोमीन प्लस CH2, बहुत आया है, एक एक नंबर के आते हैं, ध्यान रखिए, एक एक नंबर से घड़ा बढ़ता है आपकी केमिस्ट्री में, ध्यान रखना। ऐसे तो आप कहोगे कि तो एक नंबर में आपके सिर्फ 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, लेकिन ये गलत है। एक्चुअली में जब आप अंदर जाओगे ना तो जो चार नंबर का क्वेश्चन भी होता है ना, वो एक एक नंबर की चार रिएक्शन दे देते हैं। तो हमारा जहाँ तक मानना है, आप पूरे जब पेपर को देखोगे तो 40 नंबर के एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 20 तो MCQ, दो नंबर का क्वेश्चन भी कई बार एक एक नंबर पूछ लिया जाता है, दो रिएक्शन दे देंगे। चार नंबर का क्वेश्चन भी कई बार एक एक नंबर में एक एक, या फिर दो दो के दो दे देंगे। हमने जहाँ तक देखा है चार नंबर के क्वेश्चन में अधिकतर या तो वो देंगे कोई बड़ी सी प्रिपरेशन मेथड, या फिर वो एक एक नंबर के चार क्वेश्चन पूछ लेंगे या दो दो के दो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन CH2, ब्रोमीन और CH2 की प्रेजेंस में क्या बनेगा, लिखिए ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल इज फॉर्म्ड। 2,4,6 नहीं बनता है इसमें, ध्यान रखिएगा। ऑर्थो वाला फिनॉल बनेगा और पैरा वाला फिनॉल बनेगा, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमो फिनॉल इज फॉर्म्ड। देखिए तो इस रिएक्शन को, ये है फिनॉल आपका, ये है आपका फिनॉल, और अब इसकी रिएक्शन करा रहा है ब्रोमीन से, वहां भी तो ब्रोमीन से की थी, लेकिन सबसे बड़ा आइडेंटिफिकेशन ये होगा कि यहाँ सॉल्वेंट कौन है। अगर यहाँ वाटर लिखा आ गया तो आपको नाना 2,4-6-ट्राइब्रोमोफिनॉल, लेकिन यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे कि 99.9% इवन 100% यही लिखा आता है, और अगर ये नहीं आएगा तो फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड आएगा, CCl4A। तो अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होगी तो एक बार ब्रोमीन कहाँ चिपकेगा, ऑर्थो में, और एक बार ब्रोमीन कहाँ चिपकेगा, पैरा में। तो देखो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, जे फिनॉल है, ए फिनॉल है, दिस इज फिनॉल, और ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल बनाना तो ब्रोमीन कहाँ लगा दे, ऑर्थो पे, और अगर पैरा ब्रोमो फिनॉल बनाना है तो ब्रोमीन कहाँ लगा दे, बताओ जल्दी, पैरा पे लगा दे, है ना। तो ये ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल और पैरा ब्रोमो फिनॉल बन गया। रिएक्शन कैसे हुई वो भी हम बता देते हैं। हाँ किसका, लिख देंगे ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनता है। अगर ऑर्थो पे आके ब्रोमीन लिंक होगा तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा, और ब्रोमीन लिंक हो अगर आपका आके पैरा पे लिंक होगा तो पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा। अब रिएक्शन कैसे हुई इसको देखते हैं हम। देखिए ऑर्थो पे H है और पैरा पे भी H, तो अगर यहाँ से H और यहाँ से BR निकलेगा तो HBr,
बचा हुआ बी आर आके लिंक होगा यहाँ पर, तो बनेगा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल। और यहाँ से एच और यहाँ से बी आर निकला, तो बचा हुआ बी आर कहाँ आके लिंक होगा यहाँ पर, तो क्या बनेगा, पैरा ब्रोमो फिनॉल बनेगा। निकल क्या रहा है हमारा, एच बी आर। अब आप रिएक्शन ऐसे लिखा है एग्जाम में, तो सर रिएक्शन तो बैलेंस नहीं दिख रही, क्या नंबर मिलेंगे, पूरे मार्क्स मिलेंगे। केमिस्ट्री में रिएक्शन हमेशा बैलेंस करके लिखी जाती हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आप कॉन्सेप्चुअली भी लिख सकते हैं, अगर आप इसको बैलेंस नहीं करते तो अभी कोई नंबर है। लेकिन एक बच्चा बोला सर हमें रिस्क नहीं लेना, हमें तो बैलेंस करके ही लिखना है, तो सबसे बड़ी ट्रिक है सब में दो लिख दो, दो दो, ये दो पहले से हैं और ये दो, आप चेक कर सकते हो। एक बेंजीन रिंग, दो बेंजीन, एक एच बी आर, एक बेंजीन रिंग से निकला तो बी आर आके यहाँ लिंक हो गया, तो बन गया ऑर्थोब्रोमो फिनॉल। दूसरी फिनॉल वाली रिंग से एच यहाँ से निकला और बी आर यहाँ से, तो बी आर आके कहाँ लिंक हो गया यहाँ पर, टोटल कितने एच बी आर निकले, यहाँ से और यहाँ से, टू एच बी आर। टोटल कितने बी आर है, फोर, वन टू थ्री फोर, बैलेंस पॉइंट। कितनी रिंग है, टू, टू रिंग है, सब कुछ हमारा बैलेंस है। ये क्या बना, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल और ये पैरा ब्रोमो फिनॉल बनेगा। मेजर कौन होगा, पैरा वन। रीजन, इसमें ऑर्थो वालों में क्या होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये पास पास आ जाते हैं तो ये कहता नहीं हमारे पास मत बैठो, भागो भागो, तो 100 मॉलिक्यूल में से 10 ही यहाँ पर बैठ पाते हैं, 90 यहाँ चले जाते हैं। तो इसमें मेजर प्रोडक्ट ए होता है। रिएक्शन कर लीजिए और नाम भी लिख लीजिए, जे हो गया फिनॉल, ए बना हमारा ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, ऑर्थो ब्रोमो फिनॉल, और ये बना हमारा पैरा ब्रोमो फिनॉल, पैरा ब्रोमो फिनॉल। हेलोजिनेशन खत्म।